हेलो फ्रेंड्स, सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाला हूं। और ये जो इलस्ट्रेशन है ये आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के अंदर है, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का ये इलस्ट्रेशन है और ये इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट एंड यू कैन से वेरी इजी ऑल्सो, राइट। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के अंदर जो जितने भी नोट्स टाइप, जो शॉर्ट नोट्स टाइप का जो टॉपिक होता है, जो थ्योरी है, वो सब मैंने एक अच्छे से एक शॉर्ट नोट्स बनाकर एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। और अभी हम लोग जितने भी इलस्ट्रेशन है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के अंदर वो सब सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 47 से। और इलस्ट्रेशन नंबर 47 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। ओके, सो क्या है देखते हैं। सो विप्रो इज एग्जामिनिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्राइसिंग पॉलिसीज ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर डिवीजन। द सॉफ्टवेयर डिवीजन डेवलप सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर इंजीनियर्स। इट हैज कलेक्टेड डाटा ऑन 3 ऑफ इट्स मोर रिसेंट पैकेजेस। ECE पैकेज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स, CE पैकेज फॉर कंप्यूटर इंजीनियर्स एंड IE पैकेज फॉर इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स, राइट। समरी डिटेल्स ऑन ईच पैकेज ओवर देयर 2 ईयर लाइफ साइकिल प्रोडक्ट लाइव्स आर बिलो। तो पैकेज है ECE, CE एंड IE। सिमिलरली सेलिंग प्राइस ऑल्सो गिवेन 250, 300, 200। सिमिलरली नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ईयर 1 के अंदर कितना है एंड ईयर 2 के अंदर कितना है, वो सब हम लोग यहाँ पर मेंशन किया गया है। 2000, 2000, 5000, ईयर 2 में 8000, 3000 एंड 3000, राइट। अज्यूम दैट नो इन्वेंट्री रिमेन्स ऑन हैंड एट द ईयर ऑफ At the end of year 2, Wipro is deciding which product lines to emphasize in its software division. In the past 2 years, the profitability of this division has been mediocre. Wipro is particularly concerned with the increase in research and development cost in several of its divisions. An analyst at the software division pointed out that for one of its most recent packages, i.e. major efforts had been made to reduce research and development cost. Last week, Amit, the software division manager, decides to use life cycle costing in his own division. He collects the following life cycle revenue and cost information for the packages, right. So yahan par sab kuch diya gaya hai, revenue and cost also. Revenue means, as you know, revenue means sales, right. Aur sales ka figure diya gaya hai and also cost ka figure. Revenue for package ECE year 1 ke andar 5 lakh hai, year 2 ke andar 20 lakh hai, 20 लाख है। पैकेज सीई के अंदर ईयर 1 में 6 लाख है और ईयर टू में 9 लाख है। एंड पैकेज आईई के अंदर ईयर 1 में 10 लाख एंड ईयर 2 में 6 लाख, राइट। तो ऐसे ही एक्सपेंसेस दिया गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कस्टमर सर्विस, राइट। और प्रेजेंट ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इनकम रिपोर्ट फॉर ईच सॉफ्टवेयर पैकेज, व्हिच पैकेज इज मोस्ट प्रॉफिटेबल and which is the least profitable. How do the 3 packages differ in their cost structure? The percentage of total cost in each category, right. तो बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। ये इलस्ट्रेशन में सब कुछ दिया गया है। हमको सिर्फ क्या करना है ना, रेवेन्यू से कॉस्ट को माइनस करना है और परसेंटेज का कैलकुलेशन करना है, राइट। इतना ही काम है, वेरी वेरी सिंपल है, राइट। तो लेट्स सॉल्व दिस इलस्ट्रेशन। यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, पर्टिकुलर्स, पैकेज ECE, पैकेज CE एंड पैकेज IE। तो ईयर 1, ईयर 2 के अंदर रेवेन्यू दिया गया है 5 लाख, 20 लाख, 5 लाख ईयर 1 के अंदर और 20 लाख है ईयर 2 के अंदर, राइट। एंड सिमिलरली कॉस्ट ऑल्सो गिवेन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्वेश्चन गिवेन दैट 7 लाख फॉर ईयर 1, तो ये हो जाएगा 7 लाख। और 7 लाख कॉस्ट है, रेवेन्यू है 25 लाख। तो कॉस्ट कितना हुआ परसेंटेज आज कंपेयर टू सेल्स, तो ये हो गया 28% हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट आज कंपेयर टू सेल्स, राइट। अगर सेल्स 100% है तो कॉस्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट 28%। कैसे ना, 7 लाख, 7 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25 लाख, 25 लाख, ये हो गया 28%, राइट। तो ऐसे ही प्रोडक्ट का डिजाइन जो है वो ईयर 1 के अंदर है 1,15,000 एंड ईयर टू में है 85,000। ऐसे ही अगर ऐड कर देंगे ईयर 1 और ईयर 2 का डिजाइन एक्सपेंसेस, तो ये हो जाएगा 2 लाख। तो 2 लाख कितना परसेंटेज हो रहा है सेल्स का, 8%। 2 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 25 लाख, ये हो गया 8%। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग दिया गया है क्वेश्चन में कि 25,000 है ईयर 1 के अंदर एंड 2,75,000 है ईयर 2 के अंदर, तो ये हो जाएगा 3 लाख
तो 3 लाख कितना परसेंटेज हो रहा है, ये हो रहा है 12%। कैसे ना, 3 लाख × 100 डिवाइडेड बाई 25 लाख, ये हो गया 12 लाख, राइट। तो ऐसे ही मार्केटिंग भी दिया गया है, 1,60,000 ईयर वन के अंदर एंड 3,40,000 ईयर टू के अंदर, ये हो गया 500 लाख, तो सॉरी 5 लाख, तो 5 लाख × 100 डिवाइडेड बाई 25 लाख, ये हो गया 20%, राइट। तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन है ईयर वन के अंदर 15,000 है और ईयर टू के अंदर 60,000 है, तो ये हो गया 75,000। तो 75,000 25 लाख से कितना है, कितना परसेंटेज हो रहा है, ये हो रहा है 3%, राइट। तो ऐसे ही कस्टमर सर्विस का भी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, तो ये हो गया 15%। तो ऐसे ही कॉस्ट ईयर वन के अंदर है 1,065, ईयर टू के अंदर 1,085, राइट। तो कितना हुआ एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस हुआ 2,150 और रेवेन्यू कितना था 2,500। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ ना 2,500, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 25 लाख, यह है 21,50,000, यह है 25 लाख, तो 25 लाख से 21,50,000 माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ रहा है 3,50,000, राइट। तो बहुत सिंपल है, सेल से कॉस्ट को माइनस करना है और वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट। हम ये इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ कर आए हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, राइट। सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो पैकेज ई सी के अंदर प्रॉफिट आया 3,50,000। ऐसे ही पैकेज सी के अंदर सेल्स दिया गया है 6 लाख ईयर वन में और 9 लाख है ईयर टू में, तो ये हो गया 15 लाख, ये हो गया 15 लाख, राइट। ये 15 लाख हो गया सेल, जो कि 100% है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट दिया गया है ईयर वन के अंदर 4,50,000 और ईयर टू के अंदर कुछ भी नहीं दिया गया है, तो ये हो जाएगा 4,50,000। तो 4,50,000 कितना परसेंटेज हो रहा है, 30% हो रहा है। कैसे ना, 4,50,000 × 100 / 15 लाख, 4,50,000 × 100 / 15 लाख, ये हो जाएगा 30%, राइट। ऐसे ही बहुत सिंपल है, डिजाइन भी दिया गया है, 15 डिजाइन कितना है, 15,000 है, 15,000 है आपका, हाँ 1,05,000 है ईयर वन के अंदर और 15,000 है ईयर टू के अंदर, तो ये हो जाएगा 1,20,000। 1,20,000 कितना परसेंटेज हो रहा है 15 लाख से, 1,20,000 × 100 / 15 लाख, ये हो जाएगा 8%, राइट। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग का आ रहा है 14%, मार्केटिंग का आ रहा है 18% और डिस्ट्रीब्यूशन का आ रहा है 4% और कस्टमर सर्विस का 10%। तो यहाँ पर पैकेज सी के अंदर जो सॉफ्टवेयर पैकेज है, पैकेज सी, यहाँ पर एक्सपेंसेस हो रहा है जो कि कॉस्ट है, वो हो रहा है 1,260 और 1,500 था रेवेन्यू, राइट। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 15 लाख है रेवेन्यू, 12,60,000 है एक्सपेंसेस, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आ गया 2,40,000, राइट। तो पैकेज सी के अंदर रेवेन्यू आ रहा है, सॉरी प्रॉफिट आ रहा है 2,40,000, 2,40,000, राइट। नाउ कम्स टू पैकेज नंबर आई ई, थार पैकेज है पैकेज नंबर आई ई। तो पैकेज नंबर आई ई के अंदर रेवेन्यू कितना दिया गया है, 10 लाख, ईयर वन में 10 लाख और ईयर टू में 6 लाख, तो ये हो गया 16 लाख, 16 लाख, राइट, 16 लाख, जो कि 100% है। और यहाँ पर कॉस्ट भी दिया गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है 2,40,000 ईयर वन के अंदर और ईयर टू में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो 2,40,000, 2,40,000 × 100 / 16 लाख, ये हो गया 15%, राइट। ऐसे ही डिजाइन का एक्सपेंसेस कितना दिया गया है, ईयर वन में है 76,000 और ईयर टू में है 20,000, 20,000, तो 76 + 20,000 = 96,000, 76,000 + 20,000 = 96,000, और 96,000 कितना परसेंटेज हो रहा है सेल्स का, 96,000 × 100 / 16 लाख, ये हो रहा है 6%, राइट। तो ऐसा ही मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया गया है 1,65,000 फॉर ईयर वन एंड 43,000 फॉर ईयर टू, ये हो गया 2,08,000 और 2,08,000 कितना परसेंटेज हो रहा है, 2,08,000 × 100 / 16 लाख, ये हो रहा है 13%, राइट। ऐसे ही मार्केटिंग का हो रहा है टोटल एक्सपेंसेस 4,48,000 और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कितना, 96,000 और कस्टमर सर्विस हो रहा है 6,08,000, राइट। ऐसे ही परसेंटेज आ रहा है 28% मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है 6% और कस्टमर सर्विस आ रहा है 38%, तो ये हो रहा है 106% का एक्सपेंसेस, राइट। तो एक्सपेंसेस हो रहा है 106%, तो 16 लाख था रेवेन्यू और यहाँ पर एक्सपेंसेस हो रहा है 16,96,000, 16,96,000, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है 96,000, यहाँ पर लॉस हो रहा है 96,000 का लॉस हो रहा है पैकेज आई ई के अंदर लॉस हो रहा है 96,000, राइट। तो यहाँ पर हमको क्या मिला कि हाईएस्ट प्रॉफिट कहाँ पर हुआ है, पैकेज ई सी ई के अंदर, जो कि है
350,000 राइट, और पैकेज आई के अंदर लॉस हो रहा है 96,000। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हिच पैकेज इज मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड व्हिच इज द लीस्ट प्रॉफिटेबल, कौन सा पैकेज प्रॉफिट ज़्यादा दे रहा है और कौन सा पैकेज लेस प्रॉफिट दे रहा है राइट। हाउ डू द थ्री पैकेजेस डिफर इन देयर कॉस्ट स्ट्रक्चर, द परसेंटेज भी कैलकुलेट करना है। हम लोग यहाँ पर परसेंटेज भी कैलकुलेट किए, ऐसे ही परसेंटेज कैलकुलेशन करना पड़ता है। रेवेन्यू और कॉस्ट ऑलरेडी गिवेन, हमको सिर्फ क्या करना है, रेवेन्यू से कॉस्ट को माइनस करना है, कितना प्रॉफिट आ रहा है वो दिखना है पैकेज, तीन पैकेज का, और परसेंटेज भी ऐसे ही कैलकुलेशन करना है। और यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन नंबर ए, पैकेज ई सी ई विद ए लाइफ साइकिल प्रॉफिट ऑफ ₹350,000 इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, व्हाइल पैकेज आई ई विद ए लाइफ साइकिल लॉस ऑफ 96,000 इज लीस्ट प्रॉफिटेबल। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट पैकेज ई सी ई के अंदर प्रॉफिट हो रहा है 350,000, और जहाँ पर पैकेज आई ई में लॉस हो रहा है 96,000 राइट। तो यहाँ पर लीस्ट हो गया 96,000 लीस्ट प्रॉफिटेबल, और यहाँ पर मोस्ट प्रॉफिटेबल हो गया आपका पैकेज ई सी ई राइट। ये हो गया मोस्ट, ये हो गया लीस्ट राइट। तो ऐसे ही हमको ऑब्जर्वेशन लिखना है कि पैकेज ई सी ई विथ ए लाइफ साइकिल प्रॉफिट ऑफ ₹350,000 इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, व्हाइल पैकेज आई ई विथ ए लाइफ साइकिल लॉस ऑफ ₹96,000 इज लीस्ट प्रॉफिटेबल। एंड as may be observed from the tabulated data, the difference in comparative percentage of total cost to revenue in each category of the three packages are apparent and self-explanatory, right। तो बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत ईजी है। यहाँ पर डाटा ऑलरेडी गिवेन है, और हमको क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेशन करना है, और ईच पैकेज का रेवेन्यू से कॉस्ट को माइनस करना है, और वहाँ से हमको पता चल जाएगा कि कहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है और कहाँ पर लेस प्रॉफिट हो रहा है राइट। सो दिस इज इट ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 47। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 48, जो भी बहुत ईजी है एंड बहुत बहुत इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सो दिस इज इट ऑल अबाउट फ्रॉम इलस्ट्रेशन नंबर 47 ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड हैप्पी स्टडिंग।